पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। दुलारा मीन्स होता है प्यारा, कौमी स्वदेश यानी हमारे स्वयं के देश का, हुक्म आदेश, सक्रिय क्रिया में पूरी तरह लगा होगा, क्रिया मीन्स काम, काम में पूरी तरह लगा होगा। अघाना तृप्त होना, जुलूस लोगों का समूह, गुलाम पराधीन, मूर्छित बेहोश। ये कहानी है एक छोटे से बालक की जिसका नाम है अर्जुन सिंह। वैसे तो हमारे देश के बच्चे बच्चे के मन में अपने देश के लिए बहुत ही प्रेम और उत्साह है, वो कुछ भी करने के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं। ऐसा ही है अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह एक छोटा सा बालक है, उसको बहुत तेज बुखार हो जाता है और बुखार जब होता है तो उसके जो परिवार वाले हैं माता पिता बहन वो बहुत परेशान हो जाते हैं। उसे डॉक्टर के पास दिखाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि इसको खाने में लिमिटेड चीज़ें ही देना है, ऐसी चीज़ें नहीं देना जिसकी तबीयत जिससे इसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए। लेकिन क्या होता है, अर्जुन सिंह का मन होता है गुड़ और चना खाने को। तो उसकी बहन जब मम्मी पापा से बोलती है तो वो बोलते हैं कि नहीं अभी इसको बुखार है, अभी इसको ये सब नहीं देना है। लेकिन बहन से देखा नहीं जाता और वो जाती है और अपने भाई के लिए गुड़ और चना लेकर आती है। अर्जुन सिंह गुड़ और चना बड़ा शौक से खाता है और वो खुश होता है, और जब उसकी बहन उसको गुड़ और चना लाकर देती है तो उससे वह अपनी बहन के प्रति बहुत ही खुश होता है कि मेरी बहन ने मुझे ये सब लाकर दिया। थोड़े दिन बाद अर्जुन सिंह ठीक होता है। वो देखता है कि बाहर लोगों में शोर मचा हुआ है, कौमी एकता का जुलूस निकलने वाला है। भाई बहन दोनों बहुत खुश होते हैं और बाहर जो लोग हैं वो भी बहुत खुश होते हैं कि हम भी जो जुलूस है उसमें जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि वहां का जो वाइस राय होता है वो जुलूस निकालने के लिए मना कर देता है, तो सभी जो लोग होते हैं वो बहुत निराश होते हैं और दुखी होते हैं। तो अर्जुन सिंह अपनी बहन से बोलता है कि वो कौन होता है जुलूस को निकालने के लिए मना करने वाला। तो बहन बोलती है कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम है, इसलिए हमें उनका कहना मानना ही पड़ेगा। तो भाई बोलता है कि नहीं, हम तो निकालेंगे जुलूस चाहे कुछ भी हो जाए। तो भाई और बहन दोनों मिलकर तिरंगा झंडा तैयार करते हैं और जो खेलने का डंडा होता है उसी में उस तिरंगे झंडे को डाल देते हैं और अर्जुन सिंह जुलूस में जाने के लिए तैयार होता है। लेकिन अर्जुन सिंह सोचता है कि मैं जुलूस में जा रहा हूँ तो मेरी बहन वैसे ही मेरा विजयी तिलक करे जैसे एक राजकुमारी अपने भाई राजकुमार का युद्ध में जाते समय करती है। तो बहन उसके अपने जो भाई की मन की इच्छा को पहचान जाती है और रोली का और आरती के लिए थाली तैयार करके लाती है। जब वो थाली तैयार करके लाती है तो भाई बहुत खुश होता है और वो माथे पर विजय तिलक लगाती है और विजय भाव का आशीर्वाद देते हुए उसे भेजती है। अब जब भाई जुलूस में जाता है तो थोड़ा आगे चलने के बाद वाइसराय जब मना कर देता है कि जुलूस में नहीं कोई जाएगा तो पुलिस वाले उसे रोकते हैं और उसे मारना शुरू करते हैं। दूर से बहन ये देख रही होती है और वो दौड़ कर आती है अपने भाई के पास, लेकिन उस नन्हे से बालक को भी पुलिस वाले बहुत बेरहमी से मारते हैं और वो मूर्छित होने लगता है। जैसे ही वो मूर्छित होने लगता है अपने हाथ में जो झंडा रहता है वो अपनी बहन को पकड़ाता है, उसे नीचे नहीं गिरने देता है और वो मूर्छित हो जाता है। बहन आसपास के लोगों को आवाज देकर बुलाती है और उसका इलाज करवाने के लिए ले जाती है। तो देखा बच्चों, अर्जुन सिंह के मन में अपने देश प्रेम की कैसी भावना थी, वैसे ही भावना हमको भी हमारे मन में रखनी चाहिए। थैंक यू।